दाल का पिज्जा बनाने के लिए हम 250 ग्राम के करीब मूंग दाल लेंगे और उसको धो के 2 घंटा के लिए भिगो देंगे। 2 से 2.5 घंटे के बाद देखेंगे कि मूंग दाल हमारी भीगी कि नहीं, तो उसको दबा दबा के दाना देखेंगे। अगर वो टूट रहा है तो हमारी दाल भीग गई है। और उसमें 1 मीडियम साइज आलू काट के पानी में भिगो के रख देंगे ताकि आलू काला ना पड़ जाए। और इसको दाल और आलू को बिना पानी डाले पीस लेंगे, क्योंकि आलू में खुद ही पानी इतना ज़्यादा होता है कि ज़्यादा हमारा जो घोल है वो बहुत पतला ना हो, गाढ़ा ही रहे, इसलिए हम बिना पानी के दाल को और आलू को पीस लेंगे। तो यहाँ हमारी दाल पीस गई और इसको अब बाउल में हम डाल देंगे। अब दाल में बहुत सारी सब्जियाँ डालेंगे क्योंकि बच्चों को इसी बहाने सब्जियाँ भी खिला सकते हैं। तो इसमें हम आधी छोटी गाजर बारीक कटी, 1 छोटी शिमला मिर्च बारीक कटी और प्याज, छोटी प्याज 1 बारीक कटी जाएगी और कैबेज का छोटा सा टुकड़ा, सब्जियां जो भी हो वो बारीक कट के ज़्यादा अच्छी लगेगी, और टमाटर छोटा बारीक कटा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, घर पे ही बनाया था इसको हमने, और हरी धनिया बारीक कटी टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब बारी आती है नमक डालने की, तो नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालेंगे, और रेड चिली पाउडर, अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है तो आप ज़्यादा डाल दीजिए, और नहीं तो 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून गरम मसाला, नींबू आधा कटा, और मैंने यहाँ पे इनो की जगह पर बेकिंग पाउडर डाला है, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून डाला है मैंने। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। ये जो स्नैक्स है बहुत ही हेल्दी है और बच्चों को पिज़्ज़ा के नाम से खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होगा। तो अब इसको हम 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। अब चटनी बनाते हैं हरी धनिया की, वो उसमें थोड़ी सी हरी धनिया उसको काट के मैंने जार में डाला, और 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2-3 लहसुन की कलियाँ, 1 छोटा टमाटर, 1 टीस्पून नमक और जीरा आधा टीस्पून। इन सारी चीज़ों को एक साथ जार में ग्राइंड कर लेंगे, और देखिए कितनी अच्छी हरी धनिया, या आप चाहें तो पुदीना की चटनी भी बना सकते हैं। गर्मियों में ज़्यादा अच्छे से पुदीना मिलता है, इस समय मुझे पुदीना नहीं मिला तो मैंने धनिया की चटनी बनाई है। मैंने बहुत तरीके की चटनी बताई है, एक बार मूंगफली धनिया की चटनी भी बनाई थी, और इसमें आधा नींबू का रस जाएगा। तो ये हमारी हरी धनिया की चटनी बनके रेडी हो गई है। अब बारी आती है पिज्जा को बनाने की, तो हम पहले गैस ऑन करेंगे और पैन चढ़ाएंगे, उसमें हम 1 टीस्पून बटर डालेंगे, वो मेल्ट करने के लिए रख देंगे। इधर हमारा जब बटर मेल्ट हो जाएगा तो उसमें हम जो ये घोल तैयार किए थे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखा था मैंने, तो उसमें 3 टेबल स्पून घोल डाला और उसको थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो अब जो हमने घोल को पूरा स्प्रेड कर दिया और लिड से ढक दिया, फ्लेम हमारी स्लो रहेगी, अब धीरे धीरे ये पकता जाएगा। 2 से 3 मिनट के बाद हमने इसको पलट दिया, तो देखिए कितना सुंदर गोल्डन ब्राउन हमारा ये पिज्जा बनके रेडी होने वाला है। अब इसको फिर से लिड से ढक देंगे, और इसमें अब अच्छा टेस्ट आने के लिए बटर का हमने छोटा सा टुकड़ा लिया और उसमें रख के लिड डाल दिया, मेल्ट होने के लिए रख दिया। अब इसके अंदर तक वो पक जाए हमारा पिज्जा, तो उसमें हम थोड़ा सा छेद कर देंगे, हल्का हल्का इसे लाइन बना देंगे, तो उसके अंदर जो सारा बटर है वो अंदर चला जाए। फ्लेम अभी भी स्लो रहेगी क्योंकि बहुत ही अच्छे से इसको पकाना है। वाह देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है, और बहुत क्रिस्पी बन गया है ये हमारा पिज्जा। आप बच्चों को तो बहुत पसंद आता है ना चीज़, टेस्ट को और इन्हेंस करने के लिए चीज़ का 1 स्लाइस ऊपर से रख देंगे, और ओरिगेनो थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। इसमें सॉस से हम इसको डेकोरेट कर देंगे कि बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। आप चाहें तो इसको तवे पे भी बना सकते हैं छोटे छोटे पैनकेक की तरह, बच्चों की पार्टी में ये बहुत अच्छे से सर्व किया जा सकता है। तो ये देखिए हमारा मूंग दाल का पिज्जा बनके रेडी हो गया है।
यहाँ पर आप चाहें तो ऊपर से भी छोटी छोटी वेजिटेबल्स काट के डाल के और पिज्ज़ा की तरह रख सकते हैं। तो कितना यमी टेस्टी हेल्दी हमारा ब्रेकफास्ट बन के रेडी हो गया। बच्चे बड़े दोनों का मनपसंद हमारा मूंग दाल का पिज्ज़ा बन के तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स, इन्जॉय, बाय बाय।